सिवान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सिवान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाने के राजेंद्र स्टेडियम के पश्चिम में अपराध की योजना बना रहे 7 अपराधियों को धर दबोचा। सिवान एसपी नवीन चंद झा ने एक प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। अपराधियों के पास से 4 गोली, 2 कट्टा, नगद रुपए व दरौली क्षेत्र से छीना गया 3 मोबाइल व सोने के आभूषण भी बरामद किया। उक्त सभी अपराधियों ने दरौली के बेलसुई में हुए डकैती की घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। नगर में है, वहाँ पर 8-10 अपराधी जमा है और किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसी के आधार पर एसपी कांतेश कुमार मिश्रा, टाउन थानाध्यक्ष सुबोध कुमार और पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार, संजय कुमार और अन्य जो टेक्निकल सेल के पुलिसकर्मी हैं और सशस्त्र बल को वहाँ भेजा गया। वहाँ से 7 कुख्यात अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। धीरज शर्मा, आसिफ अली, शेख अफजल, आफ्ताब अंसारी, गुफरान अहमद, इमरान राजा और नसरुद्दीन अंसारी, इन लोगों से जब इन लोगों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 कट्टा, 4 गोलियां, 3 चाकू और कुछ मोबाइल और कुछ सोने के सामान बरामद किए गए थे। जब उनसे पूछताछ करनी शुरू की गई तो उन्होंने अपनी संलिप्तता, जो पिछले माह दरौली में बेलसुई गांव में एक डकैती हुई थी, वो इन्हीं अपराधियों ने अंजाम दिया था और उन्हीं के निशानदेही पे जो लूटा गया मोबाइल, डकैती के दौरान 3 मोबाइल लूटे गए थे, तीनों बरामद किया गया और जो कुछ सोने के सामान थे जैसा कि आप देख रहे हैं वो भी बरामद किया गया है। सर, पिछला इन लोग का आपराधिक इतिहास कोई? इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, एकदम नए लड़के हैं ये और ये सभी लोग पढ़रिया, रघुनाथपुर और हुसैनगंज के रहने वाले हैं। एक दरौली का है, जो धीरज शर्मा है वो दरौली का रहने वाला है और जिनके वहाँ डकैती हुई थी बेलसुई में, उन्हीं का वो अपना भांजा है, उसी ने ये डकैती की घटना कराई थी किसी बात का बदला लेने के लिए। इसके अलावा जो आसिफ ने लिया था।